अभी हम लोग चल रहे हैं दरगाह की तरफ, ये रास्ता दरगाह की ओर जाता है और इधर सामने दरगाह जो है वो दिख भी रही है। मैं भी आपको ना दिख रही हूँ क्योंकि दूर है, बस 100 मीटर की दूरी पर है। और ये है अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर की मार्केट, जहाँ पर बहुत सारे गहने, खाने पीने का सामान, और रिलीजियस गुड्स जो भी हैं वो सब यहाँ पर मिल रहे हैं। इत्र की खुशबू पूरी सड़क पर फैली हुई है। भाई पापड़ का साइज तो बहुत बड़ा बड़ा है यहाँ पर। अभी खड़ा हूँ मैं अजमेर शरीफ के बाहर, अंदर से होकर बाहर आ गया हूँ मैं, और अब मुझे लेना है अपना बैग क्योंकि मैं बाहर रख के गया था। यहाँ से हमको जाना है फॉय सागर लेक, और ऑटो पहले तो लेना पड़ेगा। ऑटो लगभग मिलेगा 100-200 मीटर दूर, तो चलते हैं ऑटो की तरफ और चलते हैं फॉय सागर। उस पर जाना सर घूमने के लिए, जाने का भी जाना सर, वहीं से आ रहे हैं भाई साहब। अकबर पहुंच जाओगे अकबर का किला। हाँ कहाँ खड़े हुए हैं, मैं वहीं खड़ा हूँ, पोहे का जो ठेला था वहाँ पे है। कहाँ आप? आइए जल्दी आइए, कहाँ है दिल्ली गेट मुझे पता नहीं है। तो दरगाह से होने के बाद हम लोग आ गए हैं फॉय सागर लेक के एंट्रेंस पे और चल रहे हैं अंदर। ओ बहुत नैरो रास्ता है, नेट पे फोटो देखे थे मैंने तो वो तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। अब अंदर जाके देखते हैं कि रियल में कैसा है। और दरगाह से काफ़ी दूरी पर है ये पेड़ देखिए। काफ़ी पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ लग रहा है ये। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। भैया लेक का रास्ता,
इधर झूले वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ पे हर जगह या तो आपको चढ़ना है या तो आपको उतरना है, सीधा रास्ता बहुत कम ही मिलेगा। तो जब तक लेक आती है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दरगाह है यहीं पर जो अकबर थे, सम्राट अकबर, उन्होंने दुआ मांगी थी तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति यानी कि सलीम पैदा हुए थे उनके घर पर। उसके बाद ही यहाँ पे बहुत सारे और काम कराए गए और अब बहुत ही ज़्यादा फेमस तो है ही और मानी हुई दरगाह है, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और हम पहुँच गए हैं लेक पर और सबसे अच्छी बात है कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। पीछे का ये मैदान और ये पीछे लेक है। बैग रख देता हूँ और फिर ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो ये है फॉय सागर लेक और मछलियाँ डुबकियाँ लगा रही हैं। पक्षी यहाँ पर भी हैं बट उतने नहीं हैं जितने हमने आना सागर में देखे थे, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई दाना पानी ना तो बिक रहा है कि उनको दिया जा सके और ना ही कोई देने वाला है। बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया। कहीं घाट पर जाने का रास्ता हो तो और मज़ा आ जाए, बट ये दिख नहीं रहा है, ये ऊंची सी दीवार है। उधर चल के देखते हैं शायद कोई रास्ता हो। चलते हैं सामने की तरफ, बैग उठा लेते हैं और फिर उस तरफ चल के देखते हैं कि क्या है। फिर चढ़ाई आ गई, बाप रे। रास्ता तो बना हुआ है बट यहाँ कोई है क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फेमस टूरिस्ट प्लेस है बट पता नहीं क्यों खाली खाली सा है। भैया इधर भी कुछ है क्या? क्यों भाई साहब इधर? कुछ भी नहीं है, बस दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं वो पहाड़ पीछे रह गए हैं, वो वाले पहाड़, और ये सामने वाले पहाड़ अब आगे की तरफ आ गए। ये दैट्स इट, अब चलते हैं वापस।
भाई साहब जिनसे पूछ रहा था वो बोलने के मूड में है नहीं, तो अभी हम लोग एक और मॉन्यूमेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा, बट टाइम की भी प्रॉब्लम है, कल लास्ट डे है छुट्टी का, तो हमें वापसी का टिकट भी कटाना है, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे बस स्टैंड की तरफ और डिसाइड भी कर लेंगे कि कहाँ जाना है। एक तरफ मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से बालाजी चला जाऊँ डायरेक्ट अगर बस मिल जाती है तो, पता है लालच है मेरे मन में, मैं ये सोच रहा था कि बालाजी और आगरा दोनों चीज़ें घूम लूँ, इसकी वजह से टाइम का कुछ कैलकुलेशन बन नहीं पा रहा है, बट बालाजी सोच रहा हूँ निकल जाऊँ। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं ऑटो में और फिर जब तक बस स्टैंड पहुँचेंगे तो डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ जाना है। जगह तो काफ़ी बड़ी है, एक मन मेरा ये भी कह रहा था कि मैं सांभर लेक चला जाऊं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, बट यही है कि मैं जितना आगे जाऊंगा वापसी में मुझे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑटो वाले भाई साहब कुछ ज़्यादा ही दूर खड़े हो गए हैं, यहीं खड़े रहना चाहिए था। पार्किंग के लिए मांग रहा होगा, लेकिन आप तो सड़क पे खड़े थे ना, तो पार्किंग आदमी हम ऑटो छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं रोड पे। हाँ सोना गड़ा रहे हो तो ले लेते हैं। जैन मंदिर छोड़ो या बस स्टैंड? हाँ जैन मंदिर में है कुछ ज्यादा देखने वाला है, दो मंदिर है बड़े, एक तो वो पहाड़ी के नीचे नारेली तीर्थ। हाँ बहुत सुंदर। जैन मंदिर से बस स्टैंड कितनी दूर है? वहाँ से 10-1 किलोमीटर पड़ेगा। 10 किलोमीटर जैन मंदिर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से पड़ेगा 16। तो बाकी देखने लायक चीज है, दो पड़ेंगे मंदिर भी। तो फिर आप ले चलो बजट से। हाँ वापस उधर जाऊँगा।